फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ट्राउज़र पोंचे का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने जो एक स्ट्रिप ली है, स्ट्रिप के नीचे हमने इस तरह से पेस्टिंग पेपर को पेस्ट कर लिया है। जी देखिए, इस तरह से जो इसकी ब्रॉडनेस है तकरीबन 2 इंच है। अब इसके हम सेंटर में एक निशान लगाएंगे और जो इसकी लेंथ ली है वो हमने अपने पोंचे के अकॉर्डिंग ली है। इस तरह से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। जी देखिए, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमने ये कुछ स्ट्रिप बना कर रखी हुई हैं और इनकी जो लेंथ है वो 3 इंच है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए, जी देखिए, ऐसे ट्रायंगल बनाते हुए इस तरह से इसे स्टिच करेंगे। देखिए, इस तरह से हम ट्रायंगल बनाते जाएंगे और इसको स्टिच करते जाएंगे। और इसी तरह से हम पूरी स्ट्रिप को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। सारी को हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। जी देखिए, इस तरह से हमने ऊपर से इसे कंप्लीट कर लिया है। अब नीचे भी हम सेम इसी तरह से, जी देखिए, इस तरह से स्ट्रिप को फोल्ड करते हुए ऐसे ट्रायंगल बनाते हुए इसे स्टिच करते जाएंगे। जी देखिए, इस तरह से हम इसे भी कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से कंप्लीट करने के बाद जहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे और इसी तरह से हम दोनों साइड से इसे कट कर लेंगे। जी देखिए, इस तरह से हमने दोनों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है और इसे अच्छे से प्रेस के साथ बिठा लिया है। अब हम एक पैटर्न और कट करेंगे, इसको हम साइड में रख देंगे। तो उसके बाद हम एक पैटर्न और कट करेंगे। जी देखिए, इस तरह से हमने जो पेस्टिंग वाली बुकरम ली है जो इसकी लेंथ है पोंचे के अकॉर्डिंग है और ब्रॉडनेस इसकी 2 इंच है। ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है इस तरह से। अब हम सबसे पहले इसके ऊपर 2-2 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। अब हम ऊपर इन दोनों निशानों के सेंटर में हम इस तरह से निशान लगाएंगे। जी देखिए, बिल्कुल इनके सेंटर में हम निशान लगाएंगे। और इस तरह से निशान लगाने के बाद इसे हम इस तरह से ट्रायंगल की शेप देते हुए ड्रॉ करेंगे। जी देखिए, इस तरह से ड्रॉ करने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे हमने ड्रॉ किया है सेम वैसे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जी देखिए, इस तरह से कटिंग करने के बाद अब इसे हम अपने मैचिंग फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। जी देखिए, इस तरह से हमने डबल फैब्रिक के ऊपर इसे पेस्ट कर लिया है इस तरह से। और ऊपर से जो हमारी जुड़ी हुई साइड है इसे हम कट कर अलग अलग करेंगे और ऊपर हम एक सिलाई लगाएंगे।
जी देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम बुकरम के पास पास सिलाई लगाएंगे। जो सिलाई हम बुकरम के ऊपर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल बुकरम के पास पास सिलाई लगाएंगे, बहुत ही बारीक वफिया कर। और इस सिलाई को हम डबल जोर करेंगे और पूरी सिलाई हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद जहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और जहाँ से भी फैब्रिक को कट करेंगे, ध्यान रखें जो हमने सिलाई लगाई है वो सिलाई हमारी कट नहीं होनी चाहिए, बहुत ही केयरफुली हम जहाँ से कटिंग करेंगे। और जहाँ पर भी हम छोटे छोटे नोचेस लगाकर इसे सीधा करेंगे। इस तरह से हम इसे सीधा करेंगे। और उसके बाद किसी शार्प चीज की हेल्प से इसके जो कॉर्नर है उसे अच्छे से फिनिशिंग के साथ बाहर निकालेंगे। जी देखिए, इस तरह से सारे को हम इसी तरह से सीधा करेंगे फिनिशिंग के साथ। जी देखिए, इस तरह से हमने सारे को सीधा कर लिया है, इसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर ली है। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर हमने इंटरलॉक भी कर ली है। अब हम अपना ट्राउज़र लाएंगे। ट्राउज़र के नीचे हम सबसे पहले इस पैटर्न को स्टिच करेंगे। जी देखिए, इस तरह से इसे उल्टा रखते हुए एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। जी देखिए, इस तरह से स्टिच करने के बाद अब हम दूसरे पैटर्न को इसके नीचे स्टिच करेंगे। जी देखिए, इस तरह से इसे रखते हुए ऐसे रखते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। जी देखिए, इस तरह से हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है और एक सिलाई हम इसके नीचे लगाएंगे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। आप चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। जी देखिए, इस तरह से सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम इनके बीच वाइट कलर के पर्ल्स हमने लिए हैं जो हम इसके बीच इस तरह से स्टिच करेंगे। ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग और भी कलर के बीड्स इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन वाइट कलर इसमें अच्छा लग रहा है तो हमने वाइट कलर इसमें यूज किया है। किसी तरह से हम पूरे ट्राउजर के ऊपर इसे स्टिच कर लेंगे। जी देखिए, इस तरह से हमने पूरे ट्राउज़र के ऊपर इन बीड्स को स्टिच कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को आप अपनी स्लीव के ऊपर, ट्राउज़र के नीचे या फिर सलवार के पोंचे के नीचे बना सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सी लुक देगा आपकी प्लेन कुर्ती को। और कमीज़ के दामन पर भी ये डिज़ाइन बना हुआ काफ़ी अच्छा लगेगा। अब इसे हम बीच में से फोल्ड करते हुए इसकी फिटिंग कर लेंगे। और ये डिज़ाइन हमारा 4 इंच पर इस तरह से बनकर रेडी हुआ है। आपने उसके अकॉर्डिंग ही अपने ट्राउज़र की लेंथ लेनी है।
4 इंच के अकॉर्डिंग ही। और अब हम इसे बीच में से फोल्ड करते हुए इसकी फिटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए इसकी फिटिंग करेंगे। और इस तरह से हम इसकी फिटिंग वाली सिलाई भी लगा लेंगे। देखिए इस तरह से जो हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा पॉन्चो डिज़ाइन बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाय बाय।